उत्तराखंड में वही स्थिति बन गई है जो 5 साल पहले थी। आपको याद होगा 2016 में हरीश रावत चुनाव समिति जो थी उत्तराखंड की कांग्रेस के, उसके प्रभारी बनाए गए थे और उनके इस जिम्मेदारी के मिलने के साथ ही 9 विधायक कांग्रेस के चले गए थे बीजेपी में। और अब वर्तमान समय की अगर बात करूं तो पिछले 1 सप्ताह में 2 MLA जा चुके हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में। पहले गए थे धुबरी के MLA प्रीतम सिंह कुमार और उसके बाद गए हैं उत्तरकाशी की पुरोला सीट के राजकुमार, ये दोनों लोग जा चुके हैं। और बड़ी खराब स्थिति कांग्रेस की चुनाव से कुछ महीने पहले उत्तराखंड में बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस से जो लोग विधायक छोड़ छोड़ कर बीजेपी में जा रहे हैं उनकी लिस्ट कुछ और लंबी हो सकती है। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने तो ये भी बताया मुझे कि कुछ और लोग नाराज हैं और कुछ और विधायक जा सकते हैं बीजेपी में। और इस तरीके से अब जो बीजेपी की वहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद कांग्रेस बहुत ही सिंगल डिजिट वाली पोजीशन में उत्तराखंड में पहुंचती हुई नज़र आ रही है। ये स्थिति उस समय पर हो रही है जबकि चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं। बीजेपी ने एक के बाद एक 3 मुख्यमंत्री बदले हैं कुछ ही महीनों के भीतर और सब लोग ये मान रहे थे कि कांग्रेस इस बार बाउंस बैक करेगी उत्तराखंड में। और अब ये हो गया है कि एक के बाद एक विधायक पार्टी छोड़कर जाना शुरू हो गए हैं कांग्रेस से बीजेपी की ओर। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसमें ये हुआ है कि रविवार को यानी कि 12 सितंबर को कांग्रेस के विधायक हैं जो उत्तरकाशी जिले के पुरोला सीट के राजकुमार, वो बीजेपी में शामिल हुए और उनके साथ वहाँ पर उसकी मौजूदगी थी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे वहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग के समय, और भाजपा के सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी जो उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और ये सब उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, ये लोग मौजूद रहे। और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा धनोल्टी के MLA प्रीतम सिंह पंवार को पहले ही पार्टी में ज्वाइन करा चुकी है और अब ये दूसरा नंबर इनका था। पहले ये ज्वाइनिंग शनिवार को होने वाली थी लेकिन एक दिन टल गई। और इसके बारे में कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि राजकुमार ये चाहते थे कि उन्हें देहरादून की किसी सीट से टिकट दिया जाए और इसी बात से जो है थोड़ा सा जो क्या कहना चाहिए कि बातचीत सेटल करने में थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन राजकुमार के बारे में एक बात बताऊं कि ये पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से भी ये विधायक रह चुके हैं और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से कांग्रेसी है। इनके पिता पतिदास ने 1985 में उत्तरकाशी से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे। राजकुमार ने देहरादून के DAV PG कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। छात्र राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे। उत्तराखंड के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व आने के बाद वे भाजपा से जुड़े। 2007 में सहसपुर रिजर्व सीट है जो, वहां से भाजपा ने राजकुमार को टिकट दिया, वह चुनाव जीत गए। इसके बाद 2012 सहसपुर सीट जब सामान्य हो गई तो उसके बाद उन्होंने 2012 में पुरोला सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वह हार गए। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मालचंद जीते थे, राजकुमार दूसरे नंबर पर रहे थे। 2017 में उन्होंने कांग्रेस में वापसी की थी, उन्हें पुरोला से टिकट मिला और इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। वैसे ये कहा जाता है कि जो राजकुमार हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफ़ी नज़दीकी हैं और जब से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी गई है तब से ही वे असहज महसूस कर रहे थे और उनकी पटरी जो है वो हरीश रावत से मेल नहीं खाती। वैसे उत्तराखंड के बारे में जो मेरे कुछ वहाँ पत्रकार मित्र हैं उन सब लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है उन सब का यही कहना है कि दरअसल ये इन दोनों के बीच में यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनको देखते हुए ये भी लग रहा है कि ये जो इनकी पार्टी में ज्वाइनिंग है उसके मेन पीछे वजह यही है कि हरीश रावत के साथ इनकी पटरी बिल्कुल भी मेल नहीं खाती और यही वजह है कि ये पार्टी से उनके हाथ में कमान आने से पहले ही पार्टी में अलग हो गई। दूसरी ओर कांग्रेस इस पर ये कह रही है कि ठीक है चले गए, वैसे भी जिस सीट से ये विधायक हैं वहाँ पर कांग्रेस के की जो स्थिति है वो कमज़ोर कांग्रेस को लग रही थी और उनका मानना है कि ठीक है राजकुमार चले गए तो बढ़िया है, बेटर है, अब उसकी जगह हम किसी और प्रत्याशी को मैदान में उतार देंगे। जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं गोदियाल, उनका मैं एक बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि भाजपा की तोड़फोड़ की राजनीति का इतिहास पुराना है,
इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा और पश्चिम बंगाल सब जगह ऐसा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आती है। उन्होंने ये भी कहा कि राजकुमार हमारी एक कमज़ोर कड़ी थे, उनकी राजनीतिक स्थिति उनके विधानसभा क्षेत्र में कैसी थी यह किसी बात से छुपी नहीं है। उन्होंने अपने बचाव के मकसद से पार्टी बदली है, लेकिन क्षेत्र की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। अब कांग्रेस अपने जमीन से जुड़े पकड़ वाले उम्मीदवार को टिकट देकर एक सीट अपनी कम से कम पक्की कर लेगी। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी असहज स्थिति हुई है हरीश रावत की। हरीश रावत एक बार फिर सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी बन गई है कि अब हरीश रावत को ये लग रहा है कि जो वर्तमान सिटिंग MLA हैं, जब वही साथ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो किसके दम पर वो चुनाव लड़ेंगे? क्या बिल्कुल सब जगह नए प्रत्याशी लाएंगे? ये सब बहुत बड़ा सवाल है उनके सामने। और जो गणेश गोदियाल हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि हम मीडिया से बातचीत में जो उनका एक बयान आया, वो मैंने पढ़ा था कि केवल राजकुमार ही थे जो चले गए, बाकी एक भी व्यक्ति कांग्रेस से नहीं जा रहा है, और भाजपा ने दल बदल का जो काम शुरू किया है इसे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी ओर 2016 की आपको बात याद दिलाऊं, जब CM थे हरीश रावत और चुनाव समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था अगले चुनाव के लिए भी, तो उस समय भी भारी विभाजन हुआ था पार्टी में और 9 विधायक चले गए थे एक साथ पार्टी को छोड़कर। दूसरी ओर गणेश गोदियाल, जो अभी इसी चुनावी वर्ष में ही उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से अपनी पार्टी को संभाला जाए, जबकि केंद्रीय नेतृत्व तो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि उत्तराखंड में इस बार बाउंस बैक कर सकती है कांग्रेस। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बारे में अगर मैं कहूँ, जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भी हैं, उनके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और उन्होंने पुरोला को जिले बनाने की मांग जो राजकुमार ने उठाई थी, उसको भी बताया जाता है कि पार्टी उनकी इस बात से सहमत नहीं थी और इस बात को लेकर भी राजकुमार के पार्टी के साथ मतभेद थे। तो फिलहाल उत्तराखंड में 2 विधायक तो कांग्रेस के जा चुके हैं, प्रीतम सिंह पंवार और राजकुमार। अब बीजेपी दावा कर रही है कि कई और विधायक टूटकर कांग्रेस से आ सकते हैं बीजेपी में। क्या वही सीन दोहराया जाएगा जो 2016 में हुआ था? 9 और फिर उसके बाद शायद 2 विधायक और गए थे, 11 विधायक कांग्रेस के टूटकर गए थे बीजेपी में, और उनमें से कुछ तो टिकट लेकर फिर बीजेपी से जीतकर भी आ गए थे। अब बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय, और कांग्रेस के सामने केवल उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में जिन भी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं या सरकार आने की पोजीशन है, वहाँ सब जगह यही स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में जो हुआ सब लोग जानते ही हैं। उत्तराखंड मेरे हिसाब से अगले साल जितने भी चुनाव होने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस थे कांग्रेस के कि वहाँ वो वापसी करेगी, लेकिन अब आसार ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा होपफुल उसके बारे में रहा जा सकता है। बहरहाल उत्तराखंड पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको उत्तराखंड के वीडियोज़ और अधिक देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर फीडबैक दें। उत्तराखंड पे वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उनकी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के चुनाव पर आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।